लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। बड़ा बाजार को एशिया के सबसे बड़ा मार्केट के रूप में जाना जाता है। खुदरा व थोक व्यापार के लिए तो बड़ा बाजार मानो जन्नत है। महिलाएं भीड़ भाड़ में यहाँ धक्के खाकर शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग करते हुए एक ना एक चीज तो जरूर घर लेकर जाती हैं। क्या बड़ा बाजार की इन तमाम घटनाओं से आप वाकिफ हैं सही मायने में? आइए दिखलाते हैं आपको इनकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें। ये है कोलकाता का बड़ा बाजार। वाकई ये बाजार इतना बड़ा है कि इसकी बात ही निराली है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार बड़ा बाजार को ही माना गया है। जरूरत के हर सामान यहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए तो बड़ा बाजार मानो सब कुछ है। बात अगर शॉपिंग तक होती ठीक था, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं बड़ा बाजार क्षेत्र की दो तस्वीर, एक अच्छी और एक समझ गए ना। थोक व्यापार से लेकर खुदरा बाजार तक के लिए बड़ा बाजार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कपड़े, जूते, बर्तन, कॉस्मेटिक्स, घर सजाने के सामान से लेकर सब कुछ, और तो और खाने पीने के लिए भी लोग ज्यादातर बड़ा बाजार को ही चुनते हैं। खैर छोड़िए, बड़ा बाजार से जुड़ी अनगिनत बातें हैं जिसे आप खुद जानते ही होंगे। लाइव कोलकाता की टीम आज आपको कपड़ों के क्षेत्र से रूबरू करवाएगा। इस वक्त हम आपको लेकर आए बड़ा बाजार में, बातचीत करवाएंगे आपको यहाँ कपड़ा खरीदने वाले ग्राहकों से व दुकानदारों से। जानेंगे उनकी क्या समस्या है व और उनको कितना फायदा मिलता है बड़ा बाजार में कपड़ा का व्यवसाय करने से। अच्छी बात तो ये है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं, चाहे बच्चों के कपड़े हो या फिर बड़ों के। महिला परिधान से लेकर पुरुषों के वस्त्र तक यहाँ सभी डिजाइनों में आकर्षक कपड़े पाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर है यहाँ से खरीदारी कर रहे लोगों की परेशानियों की तस्वीर, ट्रैफिक की तस्वीर। जगह जगह बिखरी हुई इलेक्ट्रिक वायर की तस्वीर। खरीदारी करने आए हुए कुछ ग्राहकों ने बताया कि उन्हें यहाँ से किफायती दरों पर अच्छी किस्म के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं, जिससे वे संतुष्ट भी होते हैं। चलिए हम आपको सीधे बात करवाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए एक ग्राहक से। अच्छा, आप यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आई हुई हैं? मैं यहाँ पे साड़ी भी लेती हूँ और लहंगा भी, तक हमारे रिसेप्शन है उनके शादी की, तो इसलिए हम लोग लहंगा वगैरह शॉपिंग करने के लिए आए। वैसे तो मैं इनकी दुकान पे ही मैं मेरा शॉपिंग चालू ही रहते हैं। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, इधर कलकत्ता में, इधर वैसे ही शॉपिंग के लिए आ जाती हूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा, जब भी आप कपड़ा खरीदने के लिए आती हैं तो आप बड़ा बाजार ही क्यों आती है? और क्योंकि कपड़े तो बहुत जगह मिलते हैं। हाँ, बहुत जगह पे मिलते हैं, पर बड़ा बाजार में एक ऐसी चीज मिलती है जैसे सब वैराइटीज मिलते हैं और ऊपर से होलसेल प्राइस मिलते हैं। होलसेल में भी मतलब ऐसे होते हैं जो थोड़ा रिजनेबल रेट वगैरह जो रहते हैं, हाँ, बार्गेन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, इतना कुछ किस नहीं रखती है, तो इसलिए मैं यही दुकान चूज करती हूँ। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। अरुण त्रिपाठी। अच्छा, आप यहाँ बड़ा बाजार में किस लिए आए हैं? शॉपिंग करने के लिए।
क्या क्या शॉपिंग करते हैं बड़ा बाजार से? बड़ा बाजार में ज़्यादा करते हैं रेडीमेड का है, यही सब है, केमिकल्स वगैरह है। आप बड़ा बाजार ही क्यों आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं? यहाँ लेटेस्ट मॉडल के कपड़े भी मिलते हैं, सस्ते रेट में भी मिलते हैं और क्वालिटी भी सॉलिड होती है। एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन वाली कुर्ती, सलवार सूट, साड़ी, बच्चों बड़ों के कपड़े की भरमार, जहाँ हो भला क्यों ना लोग यहाँ आए। लेकिन दूसरे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बड़ा बाजार में अत्यधिक भीड़ व जाम की स्थिति होने के कारण बड़ा बाजार में खरीदारी करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ की गर्दी और रास्ता वगैरह जो है ना, वो साफ सफाई नहीं है। जो जो जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे ही फेंक देते हैं, जो गुटखा खाते हैं वहाँ पे ही थूक देते हैं। ये तो सबसे बड़ा समस्या है। मतलब कोई इंसान साड़ी पहन के तो आ ही नहीं सकते। मेन बात जो साफ सफाई, साफ सफाई यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ही बड़ा बाजार में साफ सफाई है ही नहीं। लोगों ने कहा कि सफाई के नजरिए से भी वह सड़कों में जगह जगह गड्ढे पाए जाने के कारण आवाजाही करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो प्रॉब्लम है कि यह कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ रास्ता में चलने में बाहर से जो कस्टमर आता है उनको सब दिक्कत होता है। और यह तो ज़्यादातर बाहर से आता है थोक में लेने के लिए, यह सस्ता भी मिलता है, चीज़ भी अच्छा मिलता है और आपको यह समस्या ही है, समस्या ही है। और कुछ आप इसका ऊपर में नज़र दें तो कस्टमर को भी सुविधा होगा, दुकानदार के व्यवसाय भी सुविधा होगा। हमने कपड़ा व्यवसायियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बड़ा बाजार क्षेत्र में कपड़े का व्यवसाय करने से उन्हें बहुत मुनाफा मिलता है। कपड़े का व्यवसाय तो हर क्षेत्र में किया जा सकता है, लेकिन बड़ा बाजार में व्यवसाय करने से आपको क्या फायदा है? फायदा यही है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी माल बिक्री करता है, एक कथा में ज्यादा इसमें ये है मुनाफा मिलता है। चलिए हम आपको लेकर आ गए बड़ा बाजार के और एक दुकान में। तो आपको लगता है कि बड़ा बाजार में क्यों लोग कपड़ा खरीदने आते हैं? होलसेलर यही है ज्यादातर, ज्यादा दुकान है सब होलसेलर बड़े बाजार में, इसलिए लोग यहीं आते हैं। डायरेक्ट यहाँ बम्बई और सूरत अहमदाबाद से सब माल यहीं आता है, इसलिए होलसेलर जो भी खुदरा बेचने के लिए ले जाएंगे वो यहाँ से ले जाएंगे, चाहे रेडीमेड काटे चाहे ले जाके स्टोर रूम में रखे। स्टोर रूम वाले भी तो हम लोग जैसे न्यू मार्केट वाले और लोग अच्छे अच्छे सब हाँ होलसेलर से यहीं चले जाते हैं, यहीं चले जाते हैं। और आप कस्टमर यहाँ पे कहाँ, क्या कोलकाता से ही कस्टमर आते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, बाहर से भी आते हैं, आसाम है, बिहार है, झारखंड है, जलपाईगुड़ी से जुड़ी कुछ भी, बाहर से भी सब लोग खरीदने आते हैं। विभिन्न जगहों से ग्राहक 12 महीने कपड़ा खरीदने के लिए यहां आते हैं। कस्टमर की काफ़ी अच्छी एंट्री है और यहां पर प्राइस जो है वो रिजनेबल रख में रेट में हम भी लोग बेचते हैं, हम लोग ज़्यादा रेट मार्जिन नहीं रखते, हमारा होलसेल प्राइस में ही जाता है लगभग, मोस्टली जितनी भी है हमारा मार्जिन बहुत लिमिटेड हो जाए तो कस्टमर भी अच्छे मिलते हैं हमें। और कस्टमर की जो एंट्री है वो बहुत अच्छी है और बाजार से ज़्यादा बेटर है और कस्टमर भी सेटिस्फाई है यहाँ पर और उसको यहाँ सब कुछ मिल जाता है। मेन वे की हमारी दुकान चलो कपड़े की है लेकिन इस मार्केट के अंदर उसे सुई से लेके सब कुछ तक मिल जाएगा। अगर उसे बच्चे का कुछ छोटा सा आइटम लेना होगा और बड़े से बड़ा आइटम लेना होगा उसे इसी बाजार के अंदर ही मिल जाएगा, उसे ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक के अलावा सड़क थोड़ी चौड़ी और हो तो दिक्कत कम होगी। हमारे को ट्रैफिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यहाँ भीड़ हो जाती है ना ज़्यादा, तो बस वही ज़रा सिस्टम यहाँ पर ज़रा सही नहीं है। अगर थोड़ा सा सिस्टम ज़रा सही हो जाए, मेन मतलब पुलिस की थोड़ी सी एंट्री ज़रा बेटर हो जाएगी या चलने वालों के लिए अच्छा हो जाए, पार्किंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम मेन पार्किंग का, क्योंकि कस्टमर पार्किंग के लिए वो बहुत दूर चल जाते हैं, फिर कस्टमर यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं तो दुकान के आगे हम पार्किंग नहीं करवा सकते, तो वही पार्किंग का थोड़ा सा मेन मैटर है पार्किंग, बाकी तो सब बेस्ट है। कपड़ा व्यवसायियों की इस परेशानी को लेकर हम पहुंचे 23 नंबर वार्ड के पार्षद विजय ओझा के पास। उन्होंने कपड़ा व्यवसायियों की इस परेशानी का समाधान कुछ इस तरह बताया। देखिए ये समस्या अभी की बड़ा बाजार की सबसे गंभीर समस्या है। ट्रैफिक व्यवस्था तो सही है लेकिन जो अवांछित जो अतिक्रमण है
वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए मैंने कलकत्ता कॉरपोरेशन में हाउस में भी बोरो मीटिंग में भी बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की और इससे सभी पार्षद भी ग्रसित हैं इस समस्या से और इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई। जैसे आप देखेंगे सतनान पार्क का जो कलाकार स्ट्रीट क्षेत्र है वहाँ पर पिच रास्ता के ऊपर में हकर अपना माल बिछा करके हकरी कर रहे थे, उस पर अभी कुछ अंकुश लगा है जिनको साइड किया गया है। बंगाल की ये सबसे बड़ी असुविधा ये है कि हॉकर अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको सहमित देखिए हम किसी के रोजी रोटी पर प्रहार करने के लिए नहीं, हॉकर हॉकरी करे लेकिन उसके अंदर वो सहमित रहे जिससे जनता को किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो। जब हमने ग्राहकों से जुड़ी समस्या को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह कोशिश करते हैं कि उक्त इलाके को साफ रखा जाए। वह सड़कों पर जब वायर लटकने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वह सड़कों से तारों को हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बारह मास गड्ढा पड़ा हुआ और पार्षद होकर के हम चुपचाप बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और रहा बात की भाई देखिए काम इतना कंजेस्टेड है हमारे वार्ड के अंदर, कुछ गलियां ऐसी है जहां पर दिन भर काम ही नहीं हो सकता, रात को काम कराते हैं, तो उस संघर्षपूर्ण स्थिति में हम फिर भी एक वार्ड को तैयार करने में लगे रहते हैं। ऐसा कोई गड्ढा गुड्ढी नहीं है जहाँ पर कि इतना परेशानी हुआ, जिस जगह पर नया काम हो रहा है, जिस जगह पर पब्लिक रिलेटेड काम हो रहा है ये तो हो गए। और रही बात वायर, तो इस रोग से तो ग्रसित है हम सब, लेकिन हम इस समस्या को छोड़ नहीं रहे। दिक्कत तो दुकानदार को भी है और खरीदार को भी, फिर भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी पसंद की चीजें ले जाते हैं। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।